एसकेएस विपक्ष ईगल या दोन संघांमध्ये एसकेएस संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि फलंदाजीला येथे आमंत्रित केले. तो म्हणजे ईगल संघाला सलामीची जोडी अकलम आणि मॅगी खेळपट्टीवरती आपण पाहतोय. ईगल बल्लेबाजी कर रही है. मैगी और दो रन मिलेंगे यहाँ पर. आकिब के दो रन, इस दो रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ तीन. बहुत तेज धूप और हवा भी काफी तेज. हेलो, बॉल चाहिए, बॉल दीजिए प्लीज, बॉल दीजिए, बॉल. नवीन बॉल दें. बेहतरीन परफॉर्मेंस करना जरूरी है अगर टीम को अपने पक्ष में मैच करना है. तो बेहतरीन तरीके से ये मैच खेलना होगा. निर्धारित 18 गेंदों का मैच, लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए सज्जाद दो गेंदे की तीन रन दिए. ज़्यादा समय न ले. सज्जाद स्ट्राइक पर है. हकीब और इस बार बैकफुट पर जाकर लेग की दिशा में खेल दिया. जानते हैं गैप बड़ा है और ये चार रन. इसके बाद लॉर्ड्स की प्रक्रिया की जाएगी. ये वन साइड होने के बाद जतिन इलेवन यहां पर आ जाए लॉर्ड्स के लिए. जतिन और क्रांति से जीती हुई टीम साइलेक्स लॉर्ड्स के लिए आ जाए. साइलेक्स आए और जतिन लॉर्ड्स के लिए आए. साइलेक्स आ चुकी है. जतिन लॉर्ड्स के लिए आए. जतिन इलेवन टीम से निवेदन है कि लॉर्ड्स के लिए आ जाए. बहुत बढ़िया पॉइंट गली की दिशा में खेल दिया. जानते हैं पॉइंट के फील्डर काफ़ी क्रॉस रखे हुए हैं जिसका फायदा उठाना चाहते थे. एक रन चुराया यहां पर आकिब ने. आकिब सात रन पे खेल रहे हैं. अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए. काफ़ी धूल हवाएं काफ़ी तेज. गेंदबाज लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं सज्जाद. अभी इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे सज्जाद. ये भी यहाँ पर एक सिंगल अतिरिक्त के रूप में आया. लेग बाइस एक रन के साथ पांच गेंदे हो चुकी है. आखिरी गेंद करने हैं दस रन. आखिरी गेंद करेंगे सज्जाद. यहाँ पर दस रन हो चुके हैं. देखना है स्ट्राइक पर है आकिब.
दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी मैगी और आकिब। और बढ़िया गेंद, ऑफ स्टिक के बाहर की गेंद, एम्पायर माने के द्वारा ये वाइट करार दिया गया। एक अतिरिक्त रन मिलेगा इसे, एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11। इस सिंगल के साथ स्कोर हुआ 11 रन। अभी आखिरी गेंद करनी बाकी शेष, फिर एक बार सज्जाद तैयार सामना करेंगे आकिब। आकिब फिर एक बार बैकफुट पर जाकर लेग पॉइंट की दिशा में खेल दिया है। लेग पॉइंट के फील्डर जब तक फील्ड करके थ्रो करते, एक रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति। वो पीछे जितने भी लोग खड़े दीवार के कोपरे से, जितने भी हमारे भाई खड़े, सबसे निवेदन है कि आप लोग बाजू हो जाए। सुनील गायकवाड़ और जाधव, गायकवाड़, जितने भी लोग वहाँ खड़े वो सब वहाँ से हट जाए। सज्जाद, एक ओवर की समाप्ति के बाद, पहला ओवर समाप्त होने के बाद बिना किसी विकेट गवाए स्कोर हुआ यहाँ पर 12 रन। एक अच्छी शुरुआत मैगी और अकीब के द्वारा। अकीब खेल रहे 8 रन पे और मैगी ने केवल 1 रन बनाया इस ओवर में। आकिब को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अटैकिंग खेले और मैगी उनका पूरा साथ देते हुए, क्योंकि मैगी जितने देर क्रीज पर रहेंगे उतना ही आक्रमण करेंगे। बढ़िया गेंद, इस बार समझ नहीं पाए, अच्छी गेंद गेंदबाज रवि के द्वारा। पहली गेंद डॉट खेली यहाँ पर आकिब ने, 7 गेंदों का सामना किया और 8 रन बनाए हैं व्यक्तिगत। हल्के से फ्लिक कर दिया लेग की दिशा में, जानते हैं कि लेग का फील्डर काफ़ी दूर है, जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे 2 रन आसानी से ले लिए जाएंगे। अच्छी रनिंग द बिटवीन विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 14। रन हो चुके हैं। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, रवि सामना करेंगे आकिब। आकिब ने सही कवर की दिशा में खेल दिया ऑफ साइड में, जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करेंगे 1 रन पूरा किया। अब स्ट्राइक पर है मैगी, जो अब तक 1 रन बना करके खेल रहे, केवल 1 गेंद का ही सामना किया था उन्होंने। और मैगी ने इस बार उठा दिया, ये कैच का मौका हो सकता है, फील्डर वहां पर मौजूद और ये 4 रन। थैंक यू जीजे। मैगी का खड़े रहना ही टीम के लिए बड़ा योगदान होता है। जैसे ही लूज गेंद मिली उसका 4 रन पे अर्जित कर लिया। फिर एक बंद गेंद के बाद रवि तैयार सामना करेंगे मैगी। इस बार फ्रंट फुट आ करके उठा दिया है, फिर एक बार मौका है वहाँ पर नैनेश्वर के लिए और ये कैच, बेहतरीन कैच। इससे पहले भी मौका दिया था, मैगी आउट हो गए यहाँ पर, बड़ा झटका। दो का सामना किया और 5 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया जिसमें 5 रन बनाए। पात्रे, संतोष पात्रे जी कहीं पर भी हो, स्कोर हुआ यहाँ पर 19 रन। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, आखिरी गेंद करेंगे रवि और स्ट्राइक पर है सज्जाद। अकीब है स्ट्राइक पर, डॉट गेंद, अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक किया उन्होंने यहाँ पर। हालांकि रन जरूर आए इस ओवर में 7, मगर बहुत अच्छा टीम को कमबैक कराया, 19 पर रोका 2 ओवर की समाप्ति के बाद। आखिरी ओवर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाज मैगी, एक प्लेयर पाठो ना लॉर्ड्स करते हुए, और इनका 12th मैन यहीं पर बैठा है। दोनों टीम के 12वें है वो देख लेंगे लॉर्ड्स।
जतिन लॉर्ड्स के लिए आए, जतिन और साइलेक्स, साइलेक्स साइलेक्स है यहाँ पर, जतिन को बुलाना है। जतिन आइए प्लीज, जतिन भी आ गई, साइलेक्स भी आ गई, और यहाँ पर ये दो टीमें खेल रही है वो भी यहीं पर है। आप लॉर्ड्स उड़ाइए, लॉर्ड्स की प्रक्रिया होगी, आइए प्लीज। बेहतरीन तरीके का ये आयोजन यहाँ पर क्रांतिवीर क्रीड़ा मंडल के माध्यम से, एज ए आ गए भाई, सब लोग आ गए, उड़ा के लो। डेनियल विटोरी को बुलाया जा रहा है यहाँ पर। ईगल की ओर से बल्लेबाजी करते हुए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज विटोरी, ओ बढ़िया, ये रन आउट होना है यहाँ पर, ये रन आउट, आत्महत्या जिसे कहा जाता है। अब पांच गेंदें बची है, बैट्समैन अमरू अमरू है बल्लेबाज। विटोरी आउट होकर के आ गए, दो विकेटों का पतन हुआ यहां पर। निर्धारित ओवर में विकेटों का पतन होना भी काफी घातक होता है। अमरू है बल्लेबाज और गेंदबाज है गंगाधर, बहुत लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं गंगाधर। एक क्या चाल बेटा, साइलेक्स और जतिन का ये राउट टॉच करके लिया। हाँ, विनर और साइलेक्स, विनर को बाय है, मुझे बताएंगे तो बोलूंगा, विनर को बाय है और साइलेक्स और जतिन का मैच होगा अगला मैच। साइलेक्स और जतिन के कप्तान से निवेदन है टॉच के लिए आ जाए। भाई टॉच करके ले लो ना, विक्रम टॉच करके लो भाई, जतिन के प्लेयर आ गए, टॉच कर लीजिए। साइलेक्स, संदीप लकड़े जी टॉच करके लीजिए प्लीज। ये टॉच कर रहे हैं यहाँ पर, तीन गेंदें अभी भी बची हुई है, 27 रन हो चुके हैं छक्के के बाद, और ये कैच हो सकता है पॉइंट के प्लेयर के लिए, और फिर एक विकेट, 27 पर ये विकेट गिरा। अभी दो गेंदें बची है, फास्ट बैट्समैन भेजिए प्लीज, फास्ट अकीब है, अकीब के बाद फिर एक बार उनकी जगह भरने के लिए अकीब ही जा रहे हैं बल्लेबाज। ये जो अकीब आउट होकर के आ रहे हैं वो ओरम में बेहतरीन बल्लेबाज है, और वो जो अकीब गए हैं वो अंडरम में बेहतरीन बल्लेबाज। दो अकीब, दो गेंदें बची है, फास्ट फास्ट टाइम वेस्ट ना करें। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अमरू, दो गेंदें बची है, लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक, ये बहुत बड़ा नाम हमारे देश में, और बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर। अतिरिक्त के रूप में एक रन मिलेगा भाई के रूप में, और ये
विकेट गवा दिया एक रन के बाद आउट होने वाले खिलाड़ी आकिब अब सुल्तान जा रहे हैं कमरू आकिब सुल्तान अमरू आकिब आखिरी गेंद है और विकेट गिरी है अब तक चार आखिरी गेंद बाल गंगाधर की और ये उठा करके खेल दिया है कैच हो सकता है फील्डर वहां पर मौजूद देखना है छह रन पहले बल्लेबाजी करते हुए ईगल ने बनाए यहाँ पर 34 रन और जीतने के लिए चाहिए 35 रन निर्धारित 18 गेंदों में डीजे SKS से निवेदन है कि बल्लेबाज भेजे SKS इसके बाद का जो मुकाबला है वो जतिन वर्सेस साइलेक्स जतिन ने टॉस जीत करके साइलेक्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है और वो फील्डिंग करेंगे दो छह आया तीसरे बॉल में और छठे बॉल में छह छह ही था ना वो बाहर गया उधर से डिसीजन वो जो आया वही नहीं वो खुद बाउंड्री को टच हो गया था ना और वो बाहर बॉल ही एम्पायर ने डिसीजन छह नहीं सही है ना दोनों बेहतरीन टीमें हैं एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा दोनों ही ईस्ट की टीमें हैं नहीं ईगल इधर हाँ फिर एक बार ईगल वेस्ट की टीम है और SKS ईस्ट की टीम किरण बिल्डिंग हुई उसके बाद साइलेक्स बनी साइलेक्स के बाद नाना इलेवन बनी उसके बाद SKS बनी लगातार वहाँ पर प्लेयरों की भरमार बढ़ती चली जा रही है और टीम भी लगातार बढ़ती चली जा रही है और सभी अच्छी टीमें हैं मुकाबले देखने मज़ा आते हैं बॉल दीजिए भाई बॉल दो ना ए विक्रम बॉल दो बॉल हाँ जाता हूँ साहब गेंदबाज है आकिब और अच्छी लेके बेटा आकिब है गेंदबाज फास्ट फास्ट समय व्यतीत ना करे बल्लेबाजों से भी निवेदन है ईगल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 34 रन बनाए 35 रनों का लक्ष्य है ज्यादा समय न ले जा आता जा तू ऐकू नको को तोसीब नको येऊ जा सांगितलं ना तुला अभी ये मैच शुरू होने जा रहा है गेंदबाज है उधर आकिब पहली गेंद पर उठा दिया है बल्लेबाज रवि ने और ये पहला ही कैच वहां पर
पहली गेंद पर एक झटका दिया अकीब ने यहाँ पर। अब प्रदीप आए हैं, प्रदीप है नए बल्लेबाज, जीत का लक्ष्य यहाँ पर 35 रनों का। आखिब ने बल्लेबाजी तो अच्छी की थी मगर गेंदबाजी में भी जोहर दिखा रहे हैं। पहली गेंद पर विकेट लिया यहाँ पर और यह बेहतरीन गेंद, पॉइंट में खेलना चाहते थे बल्लेबाज ऋषभ। ऋषभ है स्ट्राइक पर और अकीब गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी। पहली गेंद पर विकेट लिया, दूसरी गेंद डॉट की। अकीब अपने ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज, फिर एक बार डॉट। ऐसा लग रहा है पिछले तीन गेंदों से के कीपर और बल्लेबाज, कीपर और गेंदबाज आपस में खेल रहे हैं। दो गेंद इंसान है, तो भाई शॉट कमेंट्री बॉक्स की ओर खेल दिया है सीधा हमारे अतिथियों के पास। शानदार चौका, रिवर्स में शॉट लगाया ऋषभ ने। इसी प्रकार से खेलना होगा अगर मैच में कमबैक करना है या मैच में अपनी पकड़ बनाए रखनी है तो। हाँ, एक टप्पा पकड़ने के बाद भी दिया जा सकता है, सिर्फ वो कमेंट्री बॉक्स में अलाउड है, हम लोग अगर पकड़ेंगे तो। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, अकीब बेहतरीन गेंद और बल्ले का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हल्के से ढकेल दिया, एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। अभी इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जानी शेष। आखिर फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन कर रहे हैं, क्लोज पॉइंट को क्रॉस किया गया, वहां पर गली पॉइंट बनाकर रखा गया, कवर्स को फैला दिया गया ऑफ साइड में। फिर एक बार और इस बार ऊपर उठा दिया, नो मैंस लैंड में गिरेंगी गेंद। दो रन देखना है बना पाते या नहीं, और दो रन आसानी से ले लिए। अच्छी रनिंग द बिटवीन विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ यहाँ पर 7 रन एक विकेट के नुकसान पर। डीजे उन्होंने भी बहुत बढ़िया बढ़िया सॉन्ग सुनाए हैं। एम्पायर्स का भी अभिवादन करते हैं, हमारे लाइव टेलीकास्ट करने वाले हमारे बॉयज़ का भी अभिवादन, मेरे साथी स्कोरर, मेरे साथी कमेंटेटर, सभी का हम अभिवादन करते हैं यहाँ से। इस बार बैकफुट पर जाकर लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, अंदर को आई गेंद समझ नहीं पाए, हल्का सा टर्न कराते हैं मैगी, विथ कैप गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, महाराष्ट्र के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से मैगी। ईगल के लिए खेलते हैं, अपना परफॉर्मेंस करते हैं ईगल के लिए। फिर एक बार इस बार फ्रंट फुट आकर के खेल दिया, यह आसान सा कैच होना चाहिए था मगर वहाँ पर फील्डर ने देखा क्या छूट करके अगर चार जाए तो उससे बेहतर दो रन दे करके ये ओवर में दो गेंदे दो रन और स्कोर हुआ यहाँ पर 9। धीमी गति से खेलते हुए एसकेएस के बॉयज और बेहतरीन शॉट, फील्डर वहाँ पर मौजूद, देखना है दो रन तो यकीनन ले लेंगे। बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं आखिब ऑलराउंडर, इस दो रन के साथ स्कोर हुआ 11। जीत के लिए यहाँ पर चाहिए 35 रन, 11 रन हो चुके हैं और यह विकेट। बैट्समैन
थैंक यू डीजे। अभी मुकाबला थोड़ा एक तरफा सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैगी और उससे पहले आकिब ने जो गेंदबाजी की, अब तक स्कोर हुआ है 11 ही रन हुए हैं और अभी केवल 8 गेंदें बची है। 8 गेंदों में चाहिए यहाँ पर 24 रन। फिर एक बार और ये डॉट गेंद, फिर एक डॉट गेंद। बहुत ही प्रेशर में एसकेएस बॉयज हैं। सर मैं भी जो यहाँ पर बता रहा हूँ एज ए एक्सपीरियंस, पिछले 25 साल से एज ए कमेंटेटर काम कर रहा हूँ मैं, तो कुछ टीमों की कमतरता और कुछ टीमों की खासियत हमें पता होती है। और ये ड्रॉप हुआ, 2 रन आए, इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर चहलकदमी करता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर 13 2 ओवर की समाप्ति के बाद। हाँ, 22 रनों की जरूरत निर्धारित 6 गेंदों में। और गेंदबाज है वहां पर अमरू, और ये पहली गेंद वहां पर वाइड करार दी। अभी बची हुई गेंदों में 21 रनों की जरूरत 6 गेंदों में। और ये देखना यहाँ पर 2 रन लेना पसंद करेंगे मगर 1 ही रन से संतुष्ट। और ये बढ़िया शॉट 6 रन, इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 21 रन। अभी 14 रनों की जरूरत निर्धारित 4 गेंदों में, 4 गेंदों में 14 रन। फिर एक बार गेंदबाज था और सामना करेंगे बल्लेबाज, डॉट गेंद। हाँ, 3 में 14 चाहिए, 3 गेंदों में 14। अनिश्चित कुछ नहीं बनाए जा सकते मगर 2 छक्के 1 चौका लगाना होगा, देखना है, या तो 2 चौके 1 छक्का। गेंदबाज फिर एक बार तैयार, कोशिश कर रहे हैं, 2 रन लेना चाहेंगे और 2 रन लिए। अब 12 चाहिए यानी कि 2 छक्के, अगर गेंदबाज कोई चूक ना करे। 2 12। अभी पिछले टूर्नामेंट में नाना 11 में वहां पर 2 छक्के लगा करके मैच को जिताया था परवेज ने यानी कि पप्पू ने, तो यहाँ पर भी वो चमत्कार हो सकता है, प्लेयर मार सकते हैं क्योंकि सभी बल्ला हाथ में है। और कोशिश जरूर की, गैप में 4 मिलेंगे। अब 8 चाहिए, आखिरी गेंद पर 8 रन,
आखिरी गेंद अगर गेंदबाज कोई चूक ना करे। फिर एक बार गेंदबाज तैयार और ये मैच जीत लिया यहाँ पर ईगल ने। लाइनअप करे प्लीज बॉयज, लाइनअप से जाए एसकेएस, लाइनअप से जाए मैगी, लाइनअप से बाहर आए प्लीज। आखिर मैन ऑफ द मैच होंगे आखिर।